आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या सीखा था कि पहली चीज़, अगर आपकी बॉडी पूरी तरह लिक्विड में चली गई और इसका वेट हवा में W1 था और लिक्विड के अंदर W2 था, तो देयर इज़ लॉस इन वेट किया था, और जो लॉस इन वेट है वो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड या अब थ्रस्ट, एक ही बात है। तो पहली डेफिनेशन क्लियर है, जब बॉडी पूरी तरह लिक्विड में जाएगी तो लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और दूसरा जब ये फ्लोट करेगी तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस पोर्शन इज होल वेट ऑफ द बॉडी, और इस पोर्शन में जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उस लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, वी माइनस वी डैश। तो ये कॉन्सेप्ट हमने किया। आप अपनी सब्जेक्टिव शीट नंबर ओपन करें 57, सब्जेक्टिव शीट नंबर 57, इसको ट्राई करना है अभी हमने। ये लो और फर्स्ट क्वेश्चन करना है, फर्स्ट क्वेश्चन इसे ट्राई करें प्लीज। तो या पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, दूसरे से ट्राई करना। हाउ मच विल अ बॉडी ऑफ 70 न्यूटन वे इन वाटर। तो क्या क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जिसका वेट कितना है, 70 न्यूटन है एयर में, वो पानी में कितना वे करेगी। W2 निकालना है, W1 पता है, W2 निकालना है। इफ इट डिस्प्लेसेस 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। कितना वाटर अच्छा लिक्विड क्या है इसमें, वाटर है। लिक्विड पढ़ना बहुत जरूरी है, कई बार ऑयल भी आ जाता है, अगर वाटर है तो कोई टेंशन नहीं, उसकी डेस्टी हमें पता होती है। तो इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना है, 200 ml। 200 ml का मतलब 200 मतलब 0.2 लीटर, लीटर का मतलब 10^-3 m³। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस आ गया। रूल क्या है, लॉस इन वेट 70 माइनस W2 इज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। बस मुझे एक चीज़ का आंसर दो, W2 तो निकालना है, वेट ऑफ वाटर में वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि 1000 है इंटू जी। वेट का मतलब वी इंटू डी रो इंटू जी, पर वॉल्यूम किसका, वाटर का, डेंसिटी किसकी, वाटर की इंटू जी। वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना डिस्प्लेस्ड है, 0.2 × 10^-3 इंटू 1000 × 9.8। सॉल्व करके W2 निकालने आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे ये रूल लगाना है आर्किमिडीज का। ठीक, अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करो 2, 3, 4 से। बिल्कुल डूबी हुई है, उसे बोला ही नहीं फ्लोट किया, अगर फ्लोट होता तो कुछ पोर्शन बाहर होता, अगर पूरी तरह इमर्स्ड है तो पूरी तरह इमर्स्ड है। फिर वो दूसरे वाला, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी आंसर निकालने, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन ठीक है ना, सबको क्लियर है एकदम, सेम रूल लगाओ सेकंड क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। पीयूष, देखो सॉलिड वेज 6 kg इन एयर, अगर डेंसिटी सॉलिड की, वाटर की नहीं, सॉलिड की 2000 है, व्हाट विल बी इट्स एपरेंट वेट इन वाटर। वैसे तो मुझे मालूम नहीं क्यों लिखता है कि सॉलिड का वेट 6 kg है, उसका वेट लिक्विड में क्यों होगा। देखो वेट चेंज होता है, ये मास चेंज करने को बोल रहा है, 6 kg का तो 6 kg रहेगा ना, पर ये अंडरस्टूड है कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। अगर 6 kg लिख रहा है और पानी के अंदर उसका वेट कम हो रहा है तो जी से ऑटोमेटिकली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि इसका वेट कितना है, बाहर कितना है, एयर में 6g, अंदर वेट वाटर में आपको निकालना है, लिक्विड इसमें वाटर है, आपको W2 निकालना है। व्हाट विल बी इट्स एपरेंट वेट इन दी वाटर, तो वाटर में एपरेंट वेट क्या है ये आपको निकालना है। तो मास आपको पता है, डेंसिटी आपको पता है, तो किसकी, इस बॉडी की, बॉडी का मास पता है, बॉडी की डेंसिटी पता है 2000, तो सोचो बॉडी का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो बॉडी का वॉल्यूम कितना आ गया, मास बाय डेंसिटी, कोई डाउट इसमें? तो वॉल्यूम की वैल्यू आ गई इसमें, बॉडी की वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है लॉस इन वेट, तो लॉस इन वेट क्या है, W1 - W2, तो लॉस इन वेट इज इक्वल टू क्या, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो लॉस इन वेट इज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड का फॉर्मूला लगाएं, तो बाहर वेट कितना है, W1 कितना है, 6g, W2 मुझे निकालना है। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड में क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी इंटू जी, तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड में वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही किसका वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, वाटर का। पूरी की पूरी बॉडी इमर्स हो चुकी है, तो बॉडी का और वाटर का वॉल्यूम सेम है, और बॉडी का वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, वाटर के वॉल्यूम के अंदर सब्सटीट्यूट कर दें, लेकिन क्योंकि वेट किसका है, वाटर का, तो डेंसिटी भी किसकी है, यहाँ पर वाटर की, सॉल्व कर लें, सॉल्व करके W2 आ जाएगा, लगा सकते हैं, कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक। नेक्स्ट, सॉलिड वेज 10 N इन एयर, तो ये रहा 10 N, इट्स वेट डिक्रीजेज बाय 2 N। अब ये इंपॉर्टेंट है, वेट 2 N नहीं हुआ, डिक्रीज बाय 2 N है, तो वेट कितना हो गया पानी में, 8 N, क्योंकि वाटर गिवन है इसमें, व्हेन वेट इन वाटर, तो नया वेट कितना हो गया, 8 हो गया, पुराना कितना है, 10 है, लॉस इन वेट वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या निकालना है, वट इज़ दी डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। चलो आपको डेंसिटी कैसे निकालोगे, बात की बात है, आपको ये तो कम से कम आता है कि लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तब लॉस इन वेट कितना है, 10 - 8,
अब वेट ऑफ वाटर निकालना है तो वॉल्यूम किसका? वाटर का। डेंसिटी किसकी? वाटर की। जल्दबाजी में यहाँ डेंसिटी कुछ और मत पुट कर देना, वाटर का वॉल्यूम वाटर की डेंसिटी इंटू जी। सॉल्व करके वाटर का वॉल्यूम आ गया, लेकिन बॉडी और वाटर का वॉल्यूम तो क्या होता है? सेम, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी इमर्स्ड है, तो बॉडी और वाटर का वॉल्यूम सेम आ गया। तो बॉडी का वॉल्यूम आ गया, बॉडी का वॉल्यूम आ गया, बॉडी का हवा में वेट कितना है? 10 न्यूटन। वेट क्या होता है? एम जी, जी से जी कैंसिल, तो मास कितना आ गया? 1 kg। बॉडी का मास आ गया, बॉडी का वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम आंसर आ गया। एक तरीका, मतलब ये पुराना तरीका, मतलब जिसमें एक ही फॉर्मूला बार 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 यूज़ किया जा रहा है, तो उससे आप ये कर सकते हो। लेकिन एक और भी शॉर्टकट तरीका है एक लाइन का, अगर आप लगा सको। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी। वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, जिस बॉडी की बात हो रही है वो हवा में, उसका कितना वेट है, डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर, पानी में उसका कितना लॉस हो गया। अब इसके अंदर रिलेटिव डेंसिटी वेट ऑफ सॉलिड इन एयर कितना है? 10 है, और लॉस कितना हुआ है? 2 का। तो रिलेटिव डेंसिटी 1 मिनट में 5 आ गई, और रिलेटिव डेंसिटी आ गई इसको पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके बॉडी की डेंसिटी 1 मिनट में आ गई, अगर तुम इसे याद कर सको तो। ये भी सही है, अगर ये फॉर्मूला याद ना रहा वो तो स्टैंडर्ड टेक्निक है ही है, वो तो गलत हो ही नहीं सकती। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि दोनों मेथड सही हैं? कोई डाउट इसमें? ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको? दोनों मेथड सही हैं। नेक्स्ट, कॉपर क्यूब ऑफ मास गिवन, कॉपर का क्यूब है, मतलब लोग ये बोल रहा है बंदा कि कॉपर का क्यूब है, मैं खुश हो गया, अंदर कॉपर भरा पड़ा है, इज वेट इन वाटर, पानी के अंदर तोल लिया गया, मास 0.40 kg आ गया, ठीक है जी, वेट कम हो गया, सही है। कह रहे क्यूब, बस ये बताओ कि खाली है, बीच में हवा भरी पड़ी है, या सच में अंदर पूरा कॉपर भरा पड़ा है? तो और ये गिवन है, कॉपर की डेंसिटी आपको उसने दे दी और पानी की डेंसिटी दे दी, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें एक ही फॉर्मूला आता है कि लॉस इन वेट, जो भी लॉस इन वेट है इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो जो लॉस इन वेट है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है। तो लॉस इन वेट में क्या है? W1 की वैल्यू क्या है? एम जी, मतलब 0.50 g, और W2 कितना है? 0.40 g। लॉस इन वेट है, गिवन है। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस में V का मतलब किसका वॉल्यूम है? वाटर का। 1000 का मतलब किसकी डेंसिटी है? वाटर की इंटू जी, क्योंकि वेट वाटर का, डेंसिटी भी वाटर की, वॉल्यूम भी वाटर का। तो तुम यहां से वॉल्यूम निकाल लेना सॉल्व करके,
ये वॉल्यूम आ गया। अब वाटर का वॉल्यूम और पूरे क्यूब का वॉल्यूम एक ही बात है। तो एक तरीके से तुमने पानी का वॉल्यूम निकाला, लेकिन सोचो तुमने पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकाल दिया, तो पूरे के पूरे क्यूब का वॉल्यूम ही आ गया। तो तुम एक काम करो, क्यूब की डेंसिटी निकाल दो। क्यूब का मास तो हवा में, पानी का नहीं, एक्चुअल मास कितना है 0.50 क्वेश्चन में गिवन है, और वॉल्यूम तुमने निकाल दिया, तो क्यूब की डेंसिटी तुम्हारे हिसाब से कितनी आई? 5000 आई। लेकिन उसने क्या बोला, क्यूब कॉपर का बना हुआ है और क्यूब की डेंसिटी 5000 से ज्यादा है, पर तुम्हारी क्या आई? कम आई, मतलब मिलावट है, अंदर हवा भरी हुई है, दिखाने के लिए एक क्यूब बना दिया, अंदर से हवा भर दी, तभी तो डेंसिटी क्या आ रही है? कम आ रही है, डेंस कम है वो। तो आप लिख देना ये हॉलो है, क्योंकि आपकी डेंसिटी जब क्यूब की निकाली वो क्या आई? वो घटी हुई आई एज कंपेयर टू एक्चुअल डेंसिटी ऑफ अ क्यूब। तो यहां से आप लिख देना ये हॉलो है। कोई ज्वेलरी लेने जाओ तो फिर ऐसा कर लेना, तोल लेना उसको पानी में और देखना सोने के अंदर कहीं हवा तो नहीं भरी हुई। ठीक है, तो चेक करते रहना, अगर डेंसिटी मैच कर गई सोने के साथ तो ठीक है, नहीं तो यानी कि गड़बड़ है अंदर। ठीक, तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, इसमें क्या गिवन है? अ सॉलिड फ्लोट्स इन वाटर विथ 3/4 ऑफ द वॉल्यूम बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। तो अगर टोटल वॉल्यूम वी है तो 3/4 वी इमर्स्ड है वाटर के अंदर। और क्या निकालना है? कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। अब आपको बॉडी की डेंसिटी निकालनी है। आपको आता है क्या है? जब कोई बॉडी तैरती है तो एक ही लाइन तो आती है, वो क्या कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द बॉडी। यही रूल है फ्लोटेशन का। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि किसका वेट है? वाटर का। तो डेंसिटी किसकी है? वाटर की। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, और होल वेट में टोटल वॉल्यूम वी इंटू किसका वेट निकल रहा है? बॉडी का। तो डेंसिटी किसकी? बॉडी की इंटू जी। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी निकाल लेना आंसर। क्लियर है तो सिक्स में लगाओ, लगा के देखो सिक्स में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने क्या किया? मैंने ऊपर का पी डैश ही ले लिया। तो मैंने क्या किया? क्वेश्चन है पीस ऑफ वुड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। वुड की रिलेटिव डेंसिटी अगर गिवन है
तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वुड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर ही आएगा डिनोमिनेटर में, तो डेंसिटी ऑफ वुड क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी 0.81 है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके रिलेटिव किसकी डेंसिटी आ गई, ऑयल की डेंसिटी आ गई। क्या करना है इसमें, ये वुड है और इस तरीके से ये क्वेश्चन है, आपको इसमें निकालना है कि इसका कितना फ्रैक्शन अबव द लेवल ऑफ वाटर है। तो मैंने इसको वी डैश मान लिया, तो ये वी माइनस वी डैश हो गया। अगर आप मुझसे ये पूछते कि कितना वॉल्यूम इसका पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, मैं पता हूँ क्या करता, इसको वी डैश और इसको वी माइनस वी डैश, ठीक है ना, क्योंकि उसने पूछा कितना अबव है, फ्रैक्शन बताओ, तो मैंने वी डैश ले लिया। तो सीधा मुझे निकालना क्या है, वी डैश बाई वी ये निकालना है, तो वी डैश बाई वी निकालना है। आपको आता है क्या, क्योंकि बॉडी फ्लोट कर रही है तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे वेट ऑफ ऑयल, और ये पानी में बिल्कुल तैर नहीं रही, ये ऑयल में तैर रही है, वुड ऑयल में तैर रहा है, तो वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द वुड। फॉर्मूला क्लियर है, वुड ने कुछ ऑयल डिस्प्लेस किया होगा, वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस में बोलो वॉल्यूम ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड कितना है, जितना लकड़ का पोर्शन ऑयल में, कितना वॉल्यूम ऑयल में है, वी माइनस वी डैश। तो वॉल्यूम ऑफ ऑयल डिस्प्लेस क्या होगा, वी माइनस वी डैश इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी। क्या पॉइंट क्लियर है, तो इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑयल इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी, होल वेट में क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वुड इंटू जी, क्योंकि किसका वेट है, वुड का वेट है, तो यहाँ से जी कैंसल, ऑयल और वुड की डेंसिटी गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई, यहाँ से वी बाई वी वन, वी डैश बाई वी, वी डैश बाई वी कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया। मेथड्स को समझ में आ रहा है कि लॉजिक है कि वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड इन होल वेट ऑफ द बॉडी। क्या ये मेथड समझ में आ रहा है सबको, आर्कमिडीज लगाना आ रहे हैं, बहुत स्लोली स्लोली करवा रहा हूँ, तो क्योंकि आर्कमिडीज ना अगले 1.5 साल तक यूज होता ही जाएगा ये, तो उस टाइम हमें दिमाग पे बोझना पड़े, पता है कि आर्कमिडीज कैसे लगेगा, तो क्योंकि चार्ज पार्टिकल भी वाटर में डाला जाएगा, चार्ज बॉडी वाटर में डाली जाएगी, तो उस टाइम थोड़ा सीखेंगे आर्कमिडीज। एक बार 8-10 क्वेश्चन में अच्छे से लगा के देख लो, रूल तो दो ही हैं, तो दो रूल की प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो प्लीज़। देखता हूँ, ठीक आ गया। देखता हूँ यहाँ तक क्लियर है, देखो बोट हैविंग लेंथ ऑफ 3 मीटर, ब्रेथ ऑफ 2 मीटर, फ्लोटिंग ऑन अ लेक। एक बोट है, ध्यान आगे प्लीज, एक बोट है जिसका बेस का एरिया आपको गिवन है 3/2 का एरिया है। आगे द बोट सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर, कब, जब मैन गेट्स ऑन इट, एक बंदा उसके ऊपर बैठ जाता है तो बोट थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है। आपको क्या बताना है, वॉट इज द मास ऑफ द मैन। मेरे ख्याल से आप सीधा यही इसमें कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, वेट ऑफ द मैन जो भी होगा, जिन्होंने अभी 60 kg निकाला, इज वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द मैन, ऐसा निकाला। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, क्योंकि कल को क्वेश्चन थोड़ा और चेंज हो के भी आ सकता है। देखो मैं इसको ऐसे समझता हूँ इस क्वेश्चन को, कि सपोज करो आपके पास एक बोट है और अभी इसके ऊपर मैन बैठा नहीं है, ये लो, ये आपके पास एक बोट है, ये रही, जिसका बेस का एरिया आपको ऑलरेडी गिवन ही है इसमें, तो बेस का एरिया
ठीक सारी बना बना लेना, तो बेस का एरिया कितना है, 3 और 2, कुछ ऐसे के बना है, 3/2। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि एक बोट के ऊपर मैन अभी बैठा नहीं है, क्या ये बोट तैर नहीं रही थी? तैर रही थी, ठीक है, मान लेते हैं ये अभी भी तैर रही है, और सपोज इतना पोर्शन इसका लिक्विड में है, कैसे तैर रही है, अभी मैन नहीं बैठा, तो क्या मैं रूल लगा सकता हूँ कि यहाँ पे वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बोट इज होल वेट ऑफ बोट। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? भाई बोट ने पानी डिस्प्लेस किया, पानी का जो वेट होगा वो होल वेट ऑफ बोट के इक्वल होगा, डन। अभी मैन नहीं बैठा, अभी बिठाने से पहले ऐसा कुछ चल रहा होगा, कोई डाउट है इसमें? अब क्या हुआ, सपोज करो इसके ऊपर एक मैन बैठ गया, ये लो। अब जब मैन बैठा, ये रहा ऑफ मास m, तो बोट 1 सेंटीमीटर और पानी में आ गई, और नीचे आ गई, कितना, 1 सेंटीमीटर, पानी और ऊपर आ गया। अब ये 1 सेंटीमीटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैन रिस्पॉन्सिबल है, बोट तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बोट तो पहले भी डूबी हुई थी, पर 1 सेंटीमीटर मैन ने डुबो दी, तो क्या ऐसा बोल सकता हूँ? ये कंडीशन तो अभी भी एप्लीकेबल है, बोट तो अभी भी तैर रही है, ऐसा बोल सकते हैं वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय दी बोट प्लस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय मैन। अब दो दो वाटर डिस्प्लेस हो रहे हैं, बोट भी पानी डिस्प्लेस कर रही है और मैन भी कर रही है, इज होल वेट ऑफ बोट प्लस वेट ऑफ मैन। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हुई, उधर से मैन ऐड हुआ तो मैन का वेट ऐड कर दिया बोट में, उससे पानी डिस्प्लेस किया, पानी का वेट भी ऐड कर दिया मैंने, तो यहाँ तक क्लियर है? तो क्योंकि ये वैल्यू ब्लैक वाली वैल्यू ब्लैक वैल्यू के इक्वल तो थी तभी बोट तैर रही थी, तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल भी होगी। अब मैं अपना न्यूमेरिकल बस यहाँ से सॉल्व करूँगा, पिछली हिस्ट्री क्या थी बोट की मेरे को लेना देना नहीं है, मैं सॉल्व वैसे ही करूँगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय मैन इज इक्वल टू वेट ऑफ द मैन। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये सिर्फ इक्वेशन वैलिड नहीं है, एक्चुअल में पीछे की ये भी चल रही है, हम ले नहीं रहे बात अलग है, एक्चुअल में ये पूरी इक्वेशन है, हम इक्वेशन का भी हिस्सा ले रहे हैं। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि हुआ क्यों ये? तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा केस किया, मैंने सारी कहानी दिखाई नहीं, मैंने कहा वेट ऑफ द मैन इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो वेट ऑफ द मैन mg है, और वेट ऑफ वाटर क्या है, बेस एरिया कितना है बोट का, 3/2, और 1 सेंटीमीटर डीप है वो पानी के अंदर, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वाटर का जो डिस्प्लेस होगा 3/2 × 1 सेंटीमीटर का मतलब 0.01, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इंटू वेट किसका है, वाटर का, जो डेंसिटी किसकी है, वाटर की इंटू जी, सॉल्व कर लेना, मास निकाल लेना, 60 kg आएगा आंसर। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ये बात समझ में आ रही है? ठीक, मास अगले का, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किया, देखो अच्छा प्रॉपर नहीं आ रहा, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन अ बोल्डर अ लार्ज राउंड रॉक ऑफ मास 240 kg इज प्लेस्ड ऑन द आइसबर्ग, तो आइसबर्ग तैर रहा था, उसके ऊपर कोई रॉक को रख दिया, तो सी वाटर के अंदर, इट इज फाउंड दैट आइसबर्ग जस्ट सिंक्स, जस्ट सिंक का मतलब ये सिचुएशन हो जाएगी, आइसबर्ग पूरा डूब गया अपनी छत तक और ये रॉक इसके ऊपर पड़ी हुई है, ये केस है, ठीक है, तो सी वाटर में ये केस बन गया। व्हाट इज द मास ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग का मास निकालना है, टेक रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस एंड सी वाटर गिवन, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस पता है, तो आइस की डेंसिटी 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, आपको रिलेटिव डेंसिटी किसकी पता है, सी वाटर की पता है, तो सी वाटर की डेंसिटी आ गई 1000 से मल्टीप्लाई सी वाटर की डेंसिटी आ गई। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है, अब इसके अंदर दोनों मिलकर तैर रहे हैं, देखो डूबा कोई नहीं है, तैर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसका आप मान लो ये एक बॉडी है, आप इमेजिन कर लिए एक बोट है,
बोट का कुछ हिस्सा पानी के अंदर है, कुछ हिस्सा पानी के बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या लिखेंगे? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना भी वाटर डिस्प्लेस हुआ दोनों मिलके किया, इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। अब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस में क्या होगा? वाटर किसने डिस्प्लेस किया? देखो ना, वाटर का वॉल्यूम कितना कितना डिस्प्लेस हुआ, जितना सिर्फ आइसबर्ग का वॉल्यूम है, क्योंकि कितना पोर्शन इस पूल दोनों का, कितना पोर्शन पानी के अंदर है, जितना आइसबर्ग का है, तो वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग कर दिया, क्योंकि वेट किसका निकल रहा है? वाटर का, तो डेंसिटी वाटर की इंटू जी, और इक्वल टू क्या? होल वेट ऑफ द बॉडी। होल वेट में क्या करना है? इसका मास अगर एम है, इसका 240 प्लस एम इंटू जी। यहां से वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग निकल सकता है, क्योंकि मास ऑफ आइसबर्ग तो मुझे पता नहीं एम है, लेकिन डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग मुझे पता है। तो मैंने क्या किया, मास अपॉन डेंसिटी करके इसका वॉल्यूम निकाल लिया आइसबर्ग का, बस उसके बाद मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर सही आ रहा है, और मैं कैलकुलेटर से करके आया हूँ इस बार, ये गलत नहीं हो सकता।